ओम शांति। आज 28 मार्च 2021 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की रिवाइज डेट है 27 नवंबर 1987। मुरली की हेडलाइन है, बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। तो बाबा ने कहा कि सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, ये विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। बाबा, जो विशेष राज दरबार, इसको बाबा ने राज दरबार नहीं कहा, दरबार कहा, और इस दरबार में बाबा हमारी दो बातें, एक है राजाई के संस्कार, अधिकारीपन के संस्कार, और दूसरे साथ ही साथ हैं ऋषि के संस्कार अर्थात वैराग्य वृत्ति के संस्कार। अगर आप गौर करेंगे तो वही राज्य अच्छा चल सकता है जिसमें ये दोनों अथॉरिटी हों, राजाई के भी हो, अधिकारीपन के, और साथ साथ वैराग्य के भी हों। अगर वैराग्य नहीं है, मैपन है या लिप्त तो हो जाते हैं, तो हमारी जो राजाई अधिकारीपन की नेचर जो है या जो दिखना चाहिए, वह कहीं ना कहीं पर जाकर के स्वार्थ में बदल जाएगा, कुछ उसमें अयोग्य चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि उसको मैंने अपने से लगा लिया, अपनी ही उन्नति प्रवृत्ति के लिए लगा लिया। तो बाबा कहते हैं अधिकारी और राजा तो बेहद का है, तो इसलिए दोनों का बैलेंस रख करके, और ये चीज़ हमारे जो वो है चित्र हैं उनमें दिखाते हुए, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों है। आप देखेंगे वैराग्य वृत्ति की निशानी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, वो हमारी हेलो चक्र के रूप से दिखाई है, लाइट का ताज, और जो हमारी अधिकारीपन की स्टेज है वो रत्न जड़ित ताज के रूप से दिखाई। तो डबल क्राउन लेने का आधार है दोनों का बैलेंस। तो बाबा ने यही कहा कि एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य और का अलौकिक नशा, जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। ये भाग्य और त्याग दो शब्द बाबा ने यूज किए, भाग्य अपनी राजाई का और त्याग वृत्ति से अगर राज्य को यूज करेंगे तो वो राज्य हमारा अच्छा चल सकता है। वैसे भी कहा जाता है तप से राज, राज से नर्क, तपस्या से राज्य प्राप्त होता है, और अगर आप राज्य करते हैं बीच में तपस्या नहीं तो नर्क। तो इसलिए बाबा इन दोनों का बैलेंस कहता है, त्याग वृत्ति भी उतनी ही हो जितना भाग्य आपको मिला है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं। बाबा ने कहा, नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है वैराग अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में न लावे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान
सदा सर्व कर्म इंद्रियों की राज्य अधिकारी। ये बाबा ने कहा वैराग्य का और उसका बेहद वैराग वृत्ति में बाबा ने बेहद का और वैराग दोनों का एक्सप्लेनेशन दिया। बाबा ने ये कहा है बेहद का वैराग्य कैसे कहेंगे। लोग समझते हैं वैराग्य माना सबको छोड़ छाड़ दो, मेरे को वैराग आ गया है। बाबा ये डिफाइन नहीं करते हैं, बाबा बेहद का वैराग उसे कहते हैं कि आपके पास सब कुछ है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप उसको चला रहे हो, परंतु उसके बाद भी आपको रिंचक मात्र भी आकर्षण नहीं है उसका, ना लगाव है ना उससे आकर्षण है। अगर आकर्षण है तो राग, वैराग नहीं है। तो बाबा ने कहा वैराग्य उसे कहेंगे जो सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल रिंचक मात्र भी आकर्षण ना हो, और जो राज है बेहद बेहद का, उसमें बाबा ने कहा कि संपूर्ण संपन्न, एकदम संपन्न होना, संपूर्ण होना, और कर्मेंद्रियों के राज्य अधिकारी होना। कर्मेंद्रियों को हम अपनी इच्छा अनुसार जो हम चाहें जब चाहें उस रूप से हम उनसे कार्य ले सकें, ये है कर्मेंद्रियों के राज्य अधिकारी। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो बाबा ने कहा कि कर्मेंद्रियों, स्थूल कर्मेंद्रियां, ये तो बहुत मोटी बात है। कर्मेंद्रिय जीत बनना ये फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। बाबा ने मुरली में आगे चलकर के एक्सप्लेन भी किया है मन बुद्धि संस्कार को कैसे हमने जीतना है। तो बाबा हमारा ध्यान, क्योंकि हमारी पढ़ाई सूक्ष्म है, हमारी हर चीज़ सूक्ष्म है, तो बाबा हमारा ध्यान सूक्ष्म पर ले चल रहे कि मन बुद्धि और संस्कार ये तुम्हारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लेना सहज है, लेकिन ये जो इंद्रियां हैं मन बुद्धि संस्कार, उनका नियंत्रण, उसके लिए कला चाहिए। तो बाबा ने कहा आत्मा अर्थार्थ राजा, मन को अर्थार्थ संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रमाण से मानना, यह है राज्य अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने, इसको क्या कहेंगे, एक अधिकारी कहेंगे? तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। तो अगर आपका अभ्यास नहीं है, आपका मन, आप राजा का ऑर्डर एक घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे, अंतिम पेपर में पास होंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे? तो ये मन के बारे में बाबा ने मन की बात की। मन की जो विशेषता वो एकाग्रता जो हमको प्राप्त करनी है, जब हम चाहे जिस संकल्प में हम चाहें जितनी देर के लिए हम चाहें उसमें हम स्थित हो सकें। बाबा ने जैसे कहा ना कि मानो 1 सेकंड का ही अंतिम पेपर है, और अगर मैं बुद्धि भटक रही, मन भटक रहा है और उसको एकाग्र करने में ही समय लगा देती हूँ, तो जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है, क्वेश्चन आया है, उसमें तो फेल हो जाएंगे ना। तो वो हमको 1 सेकंड के अभ्यासी बनना है, वो अटेंशन। ऐसे ही बुद्धि अर्थार्थ निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थार्थ जिस समय जो परिस्थिति है
उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि ये नहीं होना चाहिए था, अगर ये निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, ये निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। समय पर हो और यथार्थ, जिसको हम कहते हैं राइट जजमेंट एंड क्विक, दोनों, ये भी निर्णय बुद्धि की जो विशेषता है निर्णय करना। तो बाबा कहते हैं इस पर भी आपका पूरा नियंत्रण आधिपत्य चाहिए, अधिकारीपन चाहिए। तो बाबा ने कहा कि रोज़ अपनी कर्मचारियों की दरबार लगाओ। फिर बाबा ने कहा इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते, आदि अनादि संस्कार, अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है, सर्वगुण स्वरूप संस्कार है, और आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार, सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार है, संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार है। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो, नेचुरल संस्कार हो, मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करें, संस्कार के वश मजबूर न बने। जैसे कहते हो ना मेरे पुराने संस्कार हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। तो ये बाबा ने कहा कि इस प्रकार अपने संस्कारों पर स्पष्ट है बहुत, कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। तो हद की आकर्षण के संस्कार इसको बाबा ने जो मूल बात कही है, हमारे आदि और अनादि संस्कार, उनको हमने इमर्ज करना, उसमें रहना है। और अगर हमारे संस्कार दूसरे प्रकार के हैं, हद के, इस दुनिया के आकर्षण के, कोई भी चीज़ के ऊपर आकर्षित होना, संस्कारों पर आकर्षित होना, वस्तु पे आकर्षित, तो इसे थोड़ा और आप अगर स्पष्ट करें। जैसे बाबा ने कहा हद की आकर्षण के संस्कार, यानी जो ये बुद्धि से ही संबंधित हो गया, ये किस प्रकार से आप इसे और डिफाइन करेंगे? जो आकर्षण है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपके अंदर बीज है तब तो आप खींच रहे हैं ना उसको। जैसे आप गुलाब का बीज डालते हैं तो वो धरती से गुलाब के ही तत्व ले लेता है, आप मूली का बीज डालते हैं तो मूली के तत्व वो ले लेता है। ऐसे अगर हमारे अंदर वो संस्कार हैं हद के संस्कार, बाबा कहता है जो देहाभिमान के हैं, जो इस पुरानी दुनिया के हैं, अगर वो संस्कार का बीज पड़ा हुआ है अभी तक, तो वो क्या करेगा? हद की चीज़ों को आकर्षित करेगा, तो बुद्धि हमारी वहाँ जाएगी। उसको बाबा ने कहा हद के संस्कारों का आकर्षण वो नहीं होना चाहिए, ये तब होगा जब हमारी निर्णय शक्ति अच्छी, और निर्णय शक्ति का कनेक्शन मन से है, जितने एकाग्रचित होंगे। तो मन बुद्धि और संस्कार, ये तीनों वॉटरटाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, तीनों का आपस में संबंध है। तो एक को ठीक करेंगे तो उसका प्रभाव दूसरे पर भी आएगा। तो बाबा ने ये बात कही है कि हद के आकर्षणों से परे। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी, वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे, ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारापन न्यारापन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता,
सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति, कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। तो स्पष्ट, तो बाबा ने यही पूछा कि ऐसे, आगे बाबा ने हमें ये भी बताया कि कोई छोटी सी शक्ति या छोटी सी कमजोरी होती है तो बाकी सब तो ठीक है। तो बाबा ने कहा लेकिन जहाँ भी कमजोरी है तो वो माया का गेट है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, लेकिन गेट जैसे है। कहते हैं ना, a stitch in time saves nine, और एक छोटा सा छेद नौका को डुबो देता है। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को क्योंकि बिल्कुल टोटल अथॉरिटी वाला बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे छोटी सी भी कमज़ोरी जो है वो तुमको शोभा नहीं देती है। वो छोटी सी कमज़ोरी माया का गेट बन जाती है, क्योंकि कोई साधन तो चाहिए ना जिसके द्वारा वो आए, तो कमज़ोरी के थ्रू आती है। फिर जो बाबा ने उस दिन कहा था ईश्वरीय आकर्षण, वो ईश्वरीय आर्टिफिशियल माया, माया का आना या रॉयल रूप में आना, गुप्त, वो कमज़ोरी के कारण से ही होता है। तो हमको कोई भी कमज़ोरी को छोटा नहीं समझना है। कई बार भाई बहने पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कहते हैं ठीक है हमने बड़े बड़े विकारों पर तो विजय प्राप्त कर लिए हैं, अगर थोड़ा बहुत कंपटीशन के संस्कार हैं, थोड़े बहुत अगर रीस के संस्कार हैं तो क्या हो गया, ये भी कमज़ोरी है। तो कमज़ोरी पर हमको कड़ी नज़र रखनी चाहिए। आज का वरदान है अपने पूजन की स्मृति, अपने पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है, सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवी, ऐसे ही निर्भयता की शक्ति का पूजन काली देवी के रूप में है, सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा के रूप में है, संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माता के रूप में है, वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है। तो अपने इस पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। परम बाबा ने जो वरदान दिया है तो लक्ष्य तो हमारा पूज्य बनने का है। एक एक चीज जो बाबा ने कही है परम पवित्र, हर चीज सत परम है। परम माने जिसके ऊपर और कुछ नहीं है, इन एपेक्स, ऐसा। आज का स्लोगन है जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। संतुष्टता और सरलता। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें या मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।